For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो और साथ ही साथ टीआरपी की रेस में होने वाले इश्क में मर जामा की, जिससे जुड़ी अब बेहद ही खास अपडेट हम आपके लिए ले आए हैं, जहां आज हम आपको बताएंगे कि अब क्या होने वाला है आरोही और दीप के बीच में और कैसे आरोही इन सब से पर्दा हटाती है और खुद को बचाकर निकलती है इन सबसे आगे। वहीं अगर पिछले एपिसोड की बात करें जिसमें आपने देखा कि दीप घर पे आके बताता है कि जो उनके घर में रह रही है वो तारा नहीं बल्कि आरोही है और सारे उसके कमरे में जाते हैं तो वो कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो सारे समझ जाते हैं कि वो वाकई में आरोही है। लेकिन इतने में ही आरोही बाथरूम से निकल कर आती है, जहाँ पर वो सुनाती है दीप को खरी खोटी और इतने में आपने देखा कि सारे ये बात मान जाते हैं कि वो तारा ही है। वहीं आपने देखा वो बताती है कि एक सीक्रेट रूम है घर में जिसमें आरोही छिपी हो सकती है, जहाँ सारे जाते हैं और देखते हैं कि आरोही का वहाँ पर नामो निशान मिल जाता है। इसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर आरोही ने कितने दिनों तक अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उसके बाद वहीं आपने देखा पृथ्वी वेदिका को फोन लगा रहा होता लगातार, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा होता। तो वहीं आरोही फैसला करती है कि वो दीप को जहर देकर आज रात ही मार डालेगी और हो जाएगी निक्कू और चवन्नी को लेकर फरार। कि इतने में आपने देखा जैसे ही वो भाग रही होती है कि भाभी का उसको फोन आता है और भाभी काफी ज्यादा चीखती और चिल्लाती नजर आती है। कि इतने में ये सोचकर कि दीप भी बता सकता है कि आखिरकार भाभी है कहाँ, वो फौरन जाती है और दीप से गिलास छीन कर फेंक देती है जिसमें होता है जहर और बचा लेती है दीप को। वहीं आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं जहाँ दीप पहुंच जाएगा निक्कू की जान लेने और उसको मारने, कि उसकी जान जाने से ही आरोही उसके सामने आएगी। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।